अब तक कोरोना वायरस की महामारी के बीच पूरा देश जूझ रहा है और इसी बीच एक नई बीमारी आ चुकी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी आ चुकी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। और यह दोस्तों जांच ना करने के बाद भी इसका पता लगाया जा सकता है। यह आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इस बीमारी को, ब्लैक फंगस को। बस कोविड-19 की जो बीमारी है उसकी जांच करने के बाद सही तरीके से पता चलता है, लेकिन इस बीमारी को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यह जो नई बीमारी आई है ब्लैक फंगस नाम से, यह ज्यादा संक्रामक है पहली वाली बीमारी से। कोविड-19 तो चल ही रहा है, इसी बीच यह ब्लैक फंगस जो कि कोविड-19 से भी खतरनाक है, बहुत ही तेजी से शरीर के अंदर फैलती है यह बीमारी। आखिरकार क्या है इसके बचाव, क्या है इसके लक्षण और यह कैसे फैलती है, पूरी जानकारी के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों मैं हूँ हरेश और आपके लिए आज एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अब ब्लैक फंगस यानी कवक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। यह संक्रमण उन लोगों को हो रहा है जो कोविड को मात दे चुके हैं, अर्थात जो पहले दोस्तों पॉजिटिव थे और अब वो नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बीमारी जो ब्लैक फंगस है यह केवल उन्हीं लोगों को हो रही है जो कि पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे लोगों को भी हो रही है यह बीमारी जो कि कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए लेकिन इस बीमारी से संक्रमित तो हो चुके हैं। दोस्तों इसकी सावधानियां पूर्ण रूप से जानकारी लेकर आया हूं। क्या है ये संक्रमण, इसके लक्षण और बचाव से जुड़ी हर बात जानेंगे आज हम इस वीडियो में। दोस्तों ब्लैक फंगस क्या है, व्हाट इज ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ICMAR के मुताबिक एक तरह का दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है। दोस्तों आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ बात जो कि बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो कि आप नहीं जानते, जो ब्लैक फंगस नाम की जो नई संक्रामक बीमारी आई है दोस्तों, इसका इन्फेक्शन होता है शरीर के अंदर और शरीर के अंदर बहुत ही जल्द इन्फेक्शन फैला देता है यह बीमारी। शरीर में ये बहुत तेजी से फैलता है, इससे आंखों की रोशनी जाती है। कई मामलों में दोस्तों कई लोग दम भी तोड़ चुके हैं। किन्हें ज्यादा खतरा है दोस्तों इस ब्लैक फंगस से? तो दोस्तों ICMAR के मुताबिक कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये संक्रमण तेजी से फैलता है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जिन मरीजों को डायबिटीज है उनमें शुगर लेवल अगर बढ़ जाए तो ये इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब जानते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर ये लक्षण आपको किसी भी शरीर के अंदर दिखाई दे रहे हो, आपके परिवार, आपके पड़ोसी या आपके सामने किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो दोस्तों पक्का उसे ब्लैक फंगस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% दावे के साथ मैं कहूं कि भाई ये हो रहा हो तो भाई उसे ब्लैक फंगस ही, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसकी तुरंत जांच कराना जरूरी है। दोस्तों लक्षण क्या है, बुखार या तेज सिर दर्द होना, खांसी आना, खूनी उल्टी और दोस्तों नाक से खून आना या काले रंग का स्राव, आंखों या नाक के आसपास दर्द होना, दोस्तों आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना। दोस्तों इसके अलावा और भी ऐसे लक्षण हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। गाल की हड्डी में दर्द होना, हाँ दोस्तों जिस तरीके से हम कोई भी खाना खाते हैं, किसी भी चीज को चबाते हैं, उस समय हमारे गाल की हड्डी में अगर दर्द होता है तो दोस्तों ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक तरफा चेहरे का दर्द, चेहरे पर एक तरफ सूजन आना, दांतों में ढीलापन महसूस होना, मसूड़ों में तेज दर्द होना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन सभी लक्षणों में से किसी व्यक्ति के अंदर एक लक्षण आ रहा हो तो आप सोचें कि भाई इसे तो ब्लैक फंगस हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन लक्षणों में से
दो चार लक्षण आने लगे तो मैं तो यही कहता हूँ कि जल्द से जल्द जांच कराना जरूरी है। अगर दो चार लक्षण आते हैं जैसे खूनी उल्टी होना और आंखों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना और सिर दर्द होना, कई प्रकार की जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना और छाती में दर्द होना, इस तरह के अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत जांच कराना जरूरी है। और इसके अलावा और भी कई ऐसी जानकारी दोस्तों, इस ब्लैक फंगस के बचाव क्या है यह भी जान लेते हैं हम। फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, ऐसे एंटी फंगल दवाओं से ठीक किया जा सकता है। इन लक्षणों के दिखने पर अपनी मर्जी से दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों यह बात सच है कि कई लोग बिना डॉक्टर को दिखाए उल्टी सीधी दवाइयां खाना चालू कर देते हैं और यही सोचते हैं कि हम इन दवाओं से ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही किसी भी दवा को खाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी सलाह से आप किसी भी दवा को खा रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मास्क लगाकर जरूर रखिए और अच्छे से हाथ धोइए और ज्यादा से ज्यादा किसी मरीज के संपर्क में ना आइए। इन बातों का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, आपको कोई भी बीमारी टच नहीं होगी और कभी कभी आपको एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दाब दो, वीडियो को अधिक से शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों का भी भला हो सके, वे लोग भी जान सकें कि कौन सी नई बीमारी आई है जो कि ब्लैक फंगस है, जो कि डायरेक्ट आंखों पर अटैक करती है, आंखों की रोशनी चली जाती है इस बीमारी के कारण, और इसका संक्रमण शरीर के अंदर बहुत ही तेजी से फैलता है।